हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो रेडमी नोट 11 सीरीज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होगा नोट 11s के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चिपसेट के बारे में निकल कर आ चुका है, साथ ही कंफर्म प्राइसिंग लॉन्च डेट इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके एक लाइक भी जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की। तो इसका लुक में कुछ इस प्रकार से देखने मिल जाएगा। तो इसके बैक में आप ट्रिपल कैमरा नहीं बल्कि क्वाड कैमरे का सेटअप देखने मिलेगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ग्लास भी मिल सकता है या फिर पॉलीकार्बोनेट भी मिल सकता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है ना कि कॉस्ट कटिंग के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाएगा। और बाकी यहाँ पर हमें सेंटर पंचोल कटआउट के साथ सिंगल सेल्फी का सपोर्ट देखने मिलेगा। वहीं बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले में सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हमें फिजिकल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट होगा। वहीं फुल एचडी तक का रिजोल्यूशन और 6.43 इंचेस की डिस्प्ले देखने मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर हमें सैमसंग के सेंसर देखने मिलेंगे जो कि होगा आइसोसेल HM2 सेंसर, 108 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ 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 ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2-2 मेगापिक्सल के दो सपोर्टिंग लेंस देखने मिल जाएंगे। और वहीं फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने मिलेगा। और वहीं अगर बात करें इसकी बैटरी की, 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी इसमें देखने मिल जाएगी, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एंड्रॉइड 11 जो कि MIUI 13 के अपडेट के साथ देखने मिलेगा। बात करें इसके अदर फीचर्स की, जिसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5 का ऑडियो जैक, USB टाइप सी, साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट ऑफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के चिपसेट के बारे में। तो दोस्तों, चिपसेट के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। यहाँ पर हमें रेडमी नोट 11s में MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये चिपसेट हम काफी सारी डिवाइसेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये चिपसेट काफी सारी डिवाइसेस में ऑलरेडी है। वहीं इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB 64GB स्टोरेज होने वाला है और सेकंड वेरिएंट 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। वहीं बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन आपको 15,000 से 17,000 की प्राइसिंग तक देखने मिलेगा। वहीं बात करें इसके लॉन्चिंग डेट की, तो स्मार्टफोन आपको 25 जनवरी से आगे ही लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, रियलमी अपना पहला स्मार्टफोन रियलमी 9i लॉन्च करेगा 18 जनवरी को, और इसी के एकदम बाद ही 18 से 27 जनवरी तक हमें रेडमी की 11 सीरीज में 11s लॉन्च होता दिख जाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हमें MediaTek Helio G95 के साथ फिर से ये स्मार्टफोन आएगा, तो क्या ये जस्टिफाई करता है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।